पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रामलीला की जो सैकड़ों वर्षों पुरानी जरूर है, लेकिन उस रामलीला की तस्वीर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनको जवाब देने का काम कर रही है। लाट भैरव की रामलीला, काशी के लाट भैरव की रामलीला ऐसी रामलीला है जहां पर जयंत नेत्र भंग की जब लीला वहां पर की जा रही थी उस दौरान मुस्लिम बंधु मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता की ये तस्वीर हर किसी की जुबान पर है, हर किसी को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि इस लीला का इतिहास भी सैकड़ों वर्षों पुराना है। मेघा भगत जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे, उन्होंने इस लीला की शुरुआत कराई थी। सन्यासियों की लीला ये कही जाती है। और औरंगजेब जब वाराणसी में मंदिरों का ध्वंस कर रहा था तो उसने लाट भैरव मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था, लेकिन इन सब के बावजूद उस दौरान भी ऐसा बताया जाता है कि काशी की ये जो परंपरा है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो उस वक्त भी दिखाई दे रही थी। ये जो एकता है उस वक्त भी पूर्ण रूप से दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में जब ये तस्वीर सामने आई तो चर्चा इस बात पर शुरू हुई कि जो सियासतदान, जो ऐसे लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं, इस रामलीला में ऐसी तस्वीर उन्हें कहीं ना कहीं जवाब देने का काम जरूर करेगी। इस तस्वीर की चर्चा है और इस चर्चा के साथ ही हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि काशी का यही असली स्वभाव है कि गंगा और जमुनी जो तहजीब है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ और काशी इसके साथ ही पूरे पूर्वांचल से जुड़ी हुई ऐसी खास तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम बताएंगे कि आखिर उन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है और वो तस्वीरें जहां से जुड़ी हुई हैं उनका इतिहास क्या है। त्रिपाठी प्रधान व्यास आदि रामलीला लाट भैरव भोलवा संगम काशी कमेटी का हूँ। जो है ये जो रामलीला हुआ है, एक तरफ देख रहे हैं कि नमाज भी हो रहा है, एक तरफ रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी जा रही है, तो ये क्या परंपरा है इसका? ये हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति की जो है गंगा जमुनी तहजीब की देन है। भविष्य में बहुत सी आक्रांताओं ने जो है ये गंगा जमुनी तहजीब को जो है तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने तोड़ा भी जो है, लेकिन आज जो है हमारे बनारस में और पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब जो है जीवित है जो है, और उसी के हिसाब से जो है हम लोग श्री आदि रामलीला लाट भैरव भोलवा संगम काशी कमेटी का जो है जयंत नेत्रभंग अत्रि संवाद अनुसुईया जानकी संवाद जो लाट भैरव फर्श पर सम्पन्न हुआ वहाँ पे एक तरफ जो है मंदिर है बाबा श्री लाट भैरव कपाल भैरव जी का, एक तरफ मस्जिद है जो है, और जब वहाँ कोई फंक्शन होता है तो मुसलमान भाई जो है अपना मस्जिद में अपना नमाज अदा करते हैं और मंदिर में जो है हिंदू भाई जो है बाबा श्री लाट भैरव का पूजन करते हैं। उसी के अंतर्गत उसी फर्श पे जयंत नेत्रभंग की लीला सम्पन्न हुई जो कि गंगा जमुनी तहजीब का जो है एक विशेष उदाहरण है। जो है अगर यही तहजीब जो है पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब लागू हो जाए तो कहीं किसी प्रकार का जो है धर्म को लेकर के विद्रोह ना हो। अपना परिचय दीजिएगा। मैं दिलशाद अहमद। दिलशाद जी, एक बनारस से तस्वीर उभर कर आ रही है सामने अनूठी, एक तरफ रामलीला हो रहा है एक तरफ जो है नमाज पढ़ी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, बनारस मोहब्बतों का शहर रहा है, जब तक इंसानियत जिंदा है बनारस के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तस्वीरें आएगी। और बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, किसी
व्यक्ति ने ऐसा विरोध नहीं किया कि क्यों हो रहा है। जो हम लोग मोहब्बत के चाहने वाले लोग, जो शांति के चाहने वाले लोग, इस तस्वीर की बहुत सराहना की है। मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुसलमान धर्म खतरे में है। धर्म में चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा इंसानियत खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। इसलिए हम इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर की मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। ये अमन चैन रहने वाले लोग हैं, काशी के लोग हैं, एक मैसेज दिया जो हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में जाने का काम कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।